बना चुके हैं और अभी हम खाना बनाने लगे हैं। हमने कहा दोपहर का खाना खा लें क्योंकि आज हमने एक दावत पे जाना है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। मेरे साथ देखिए आज की हमारी रूटीन क्या है। इस वक्त सुबह के तकरीबन कोई 12:30-1 बजे का टाइम है और मैंने मशीन भी चलाई हुई है, साथ चूचू पापा वो भी लगी हुई है और मेरा रोस्ट भी बन रहा है। और एज यूजुअल मैंने अभी उठते साथ ही ये थोड़ा सा रोस्ट बनाया है ताकि, क्योंकि जो रात को हमने खाना खाना जाना है वो तकरीबन हमारा 9 बजे तकरीबन शुरू होना है। ये देखें जो इसका ऑयल है ये तड़ तड़ कर रहा है। अभी इसमें मैं इसको फ्राई करूंगी क्योंकि ये मैं रेसिपी पहले डाल चुकी हूँ। ये हमारा फेवरेट क्रश चिली रोस्ट है और ये इतना मजे का है कि हमें ये खा के इंतहाई मजा आता है। तो इसकी हम अक्सर इसे बनाते हैं, हम उतना ही बनाते हैं जितना हमने खाना खाना होता है। ना हम एक्स्ट्रा बनाते हैं ना ज्यादा बनाते हैं, लेकिन हम फ्रेश बनाते हैं। तो आज आपको अब दिखाएंगे हम क्या करने लगे हैं और आज हम आपको अपना पहले दिन का मक्का का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 1 by 1 12 दिनों का एक्सपीरियंस हम 12 दिनों में शेयर करेंगे। और चूचू पापा लग गई है, तड़तड़ होने लग गई है, इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में। ये तेल ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसको इसमें हम अपना रोस्ट फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे तड़तड़ करता रोस्ट। माशाल्लाह। हमारा रोस्ट तड़तड़ करता हुआ आप देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि कैमरा थोड़ा सा, मैं इसको फोकसिंग कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि गरीब बात है ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है क्योंकि फ्राई करते वक्त इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना होता है कि आपका हाथ ना जल जाए। और ये हमारा तड़तड़ करता रोस्ट, बस अब हम इसको पलटाने लगे हैं और ये ब्राउन एक तरफ से हो गया क्योंकि ऑयल पहले से गर्म था, ये इसको ब्राउनिश करना होता है तो जरा इसमें लुक और फ्लेवर आ जाए। क्योंकि हम इसको दही में और टमाटरों में बॉईल करते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर लुक इसका चेंज हो जाए। ये जबरदस्त, बस टूटने नहीं देना, होता कोशिश तो करते हैं टूटे ना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन वो भी कोई बात नहीं। ये जनाब हमने अपनी रेसिपी तकरीबन तैयार कर ली है, फिर आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। क्रश चिली रोस्ट रेडी है, हमारा क्रश चिली रोस्ट रेडी है। माशाल्लाह साया आ रहा है भाई, माशाल्लाह 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 जबरदस्त। बस अभी हम दोपहर में लंच में खाने लगे हैं, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में। जी अस्सलाम वालेकुम, हम एक दावत पे जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कहा आपको अपनी थोड़ी सी तैयारी दिखाएं क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ आपको पता है मैं ज़रूर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाती हूँ अपना ड्रेस अपनी, क्योंकि मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेकअप फुल नहीं है, ये जस्ट वॉज अ ब्लश ऑन सम क्रीम्स, वो भी स्किन केयर की, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बाहर से होके आई हूँ, दाने बहुत बने हुए हैं तो वो एक क्रीम हल्की सी लगाती हूँ और थोड़ा ब्लश करती हूँ और थोड़े से ये भी ना वो है क्या कहते हैं उसको, एक होती है कलर्ड चैपस्टिक, ये कलर्ड चैपस्टिक है, ये लिपस्टिक नहीं है
ये कलर चैपस्टिक है और मैं मेकअप बहुत थोड़ा करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। जब मेकअप तब करती हूँ जब बहुत कहीं काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं, हैवी मेकअप जिसको कहते हैं, लेकिन हर वक्त मैं हैवी मेकअप नहीं रखती। जैसे डेली बेसिस हैवी मेकअप जो होता है, आप कहेंगे करती तो है, बातें कर रही है, लेकिन नहीं, जो डेली बेसिस हैवी मेकअप होता है वो बहुत बंदे की स्किन को डैमेज करता है और फिर कुछ काफ़ी इश्यूज़ पैदा होते हैं, तो आई डोंट लाइक इट। कभी 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 अच्छा होता है। तो बस अब हम रेडी हो गए हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं, अब हम जा रहे थे तो बस अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी एक बड़ी प्यारी बहन है जिन्होंने हमारा उम्रे की खुशी में खाना किया हुआ है और हम उधर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रही है। और ये मेरा एक ड्रेस है, ये नया नहीं है भाई, मेरे पास बहुत कपड़े हैं तो मैं बहुत संभल संभल के पहनती हूँ और मुझे ड्रेसिंग का शौक है, लेकिन ये कि ये मेरी मैंने कहा आज बाहर सर्दी है थोड़ी सी, तो मैंने अपनी ब्लैक शॉल ले लिया साथ, और ये एक शर्ट बनी हुई है बड़ी प्यारी नेवी ब्लू, और इसमें थोड़ी थोड़ी ग्लिटरिंग भी है, लेकिन बड़ा नाइस ड्रेस है। और बस मैं निकलने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं, ये हमारे इतने सारे बैग पड़े हैं, 3 बैग पड़े हैं, ये जा रहे हैं साथ जो गिफ्ट के तौर पर जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बुरा लगता है, खोल के नहीं दिखाऊंगी, आई डोंट लाइक इट। बस ये कि ये हमारे 2-3 बैग पड़े हैं तो ये अब हम सबको बांटेंगे। ये तबरक है, इसको गिफ्ट नहीं कहते, इसको तबरक कहते हैं, तो मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये तबरक होता है और ये सबको देना चाहिए, इट्स गुड, तो अच्छी बात है, जितनी आपकी इस्तेमत है उस हिसाब से आप सबको ये तकसीम करें, अच्छी बात होती है। तो फिर अब हम जहाँ जाएंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपको हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे और आपको मक्का मुकरमा की सारी स्टोरियाँ हम सुनाएंगे। तो वो लेकिन ये कि वो काफ़ी टाइम मांगती हैं, मीन्स कि मैं उस पर काफ़ी आपको डीपली उसके ऊपर टॉक करूं, ये नहीं कि मैं आपको रफली रफली, जैसे लोग रूमर्स अपनी वीडियोस को हिट करने के लिए डाल देते हैं, आज ये हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, ये हुआ, मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ बताऊंगी, क्योंकि मैंने उसको बहुत बहुत डीपली लर्न किया है। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि जो भी हमारी बहनें हैं जो जाएँ, वो अपने लिए ईजी ईजी चीज़ें फाइंड आउट करें, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है फर्स्ट टाइम वालों के लिए, क्योंकि लोग कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, क्योंकि हर बंदे की अपनी मेंटेलिटी है और अपनी एक सोच है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। अब हम जिधर जा रहे हैं आपको हम दिखाएंगे, हम क्या करने लगे हैं, कौन कौन होगा हमारे साथ और हम क्या खाएंगे। भाभी ने मुझे पता है बहुत कुछ प्यारी प्यारी मज़े मज़े की, क्योंकि भाभी मैं समझती हूँ, अब ये खान साहब नीचे आ रहे हैं, चूचू पापा लगी हुई है, खान साहब आज भी वाओ वाओ, तो अगर खान साहब की इजाज़त हो तो खान साहब आज थोड़ा सा मेरे साथ वीडियो में आए। माशाल्लाह भाई खान साहब, थैंक यू मैम, आप तो बालों से ज्यादा छट कैप्स में लग रहे हैं भाई। खान साहब कैसे लग रहा है आपको कैप पहन के? कैप अच्छी लग रही है जी, बाल बाल खत्म हो गए तो कैप ही रह रही है। लेकिन लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये आपने अल्लाह ताला की खातिर करवाया है, ये आपने कोई अपनी खुशी से नहीं करवाया। कोई भी बंदा जो होता है आदमी, उसको अपने बालों की अहमियत का अंदाजा है, लेकिन ये अल्लाह ताला की खुशी है, अल्लाह ताला की रजा के लिए आपने ये करवाया, क्या ख्याल है? ऐसा ही है जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसे तो लट भी कटवा सकते थे, लेकिन मैंने इनको कहा कि नहीं, अल्लाह ताला को उम्रा तभी कबूल होगा और आप आए भी फर्स्ट टाइम है, तो अभी खान साहब ने जरा बड़ी लाइट ऑन कर दी है, तो खान साहब कह रहे थे कि मैं सलाऊंगा। हाँ जी सुनाए खान साहब, आपका वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, मतलब हेडेक भी होगी साथ थोड़ी थोड़ी वहां के लोगों की, हो गई थी चेस्ट इन्फेक्शन हो गई थी वहां पे, अक्सर लोगों को हो जाती है। अच्छा हाँ। तो खान साहब ये मुझे थोड़ा सा बताते जाएं कि मक्का में ज्यादा टाइम रहना चाहिए कि मदीना में? मदीना में, मदीना में। ये हम एक बड़ा लंबा तबसरा करने वाले हैं और आप मेरे साथ बने रहिए, जिधर हम जा रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए अभी, और जहां हम जा रहे हैं वहां हम आपको दिखाते हैं। जी बस ये हम निकल पड़े हैं और इस वक्त ये देख रहे हैं आप, स्क्रीन साफ कर रहे हैं, ये देखिए ये बर्फ, ये सारी बर्फ जमी हुई है। हम इसको पानी, क्योंकि हमने इसमें ना वो कूलेंट डाला होता है, तो कूलेंट जो होता है वो जमता नहीं है, फ्रीज नहीं होता, तो हम अपनी हर गाड़ियों में ना कूलेंट डालते हैं। तो ये जनाब ये देखिए, ये उधर भी जमा हुआ है, ये भी सारी बर्फ जमी हुई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, रोड में आपको दिखा नहीं सकती कि वाइट हुई पड़ी है और फ्रीजिंग इतनी है कि हद खत्म है। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, कहाँ खाना किया है हमारा, और हमारी प्यारी भाभी जो है वो माशाल्लाह 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 खाने बहुत मज़े के और गज़ब के बनाती हैं, गज़ब गज़ब।
तो क्या एक वर्ड होता है ना, गजब के, गजब के। तो लेकिन ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो मिलनसार भी बहुत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं, और दुआ कीजिए कि यहाँ सबके लिए खैरियत हो। क्योंकि आज भी मेरा ख्याल है एयरपोर्ट बंद था, मैनचेस्टर एयरपोर्ट, क्योंकि जो ये होती है ना ब्लैक आइस, ये बड़ी खतरनाक होती है, गाड़ियाँ स्किड कर जाती हैं, जहाज स्किड कर जाते हैं। तो आज भी मैनचेस्टर एयरपोर्ट कुछ टाइम के लिए बंद था, तो मैंने बल्कि अपने फेसबुक पे भी वो शेयर किया था। तो इंशाल्लाह जिधर जा रहे हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये जी खाना रेडी हो रहा है और हम खाने की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह कढ़ाई, ये जो इसकी जो डेकोरेशन हुई हुई है ना, ये ऐसी डेकोरेशन है जो मैं नहीं कर सकती, और ये मेरे हिस्से की खान साहब करते हैं, और भाभी ने ही आदत डाली है खान साहब को डेकोरेशन करने की, खाने को प्रॉपर डेकोर करना उसको, माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी हर तरह की जो एक जैसे कहते हैं धनिया पुदीना लहसुन अदरक सब कुछ ऊपर डालना। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये तरद्दुद जो है ना, ये हर बंदा नहीं कर सकता, ये हर बंदे में एफर्ट नहीं होता। ये अगर आप समझे ना कि ये हर बंदे का एक काम है, तो नहीं 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 माजरत, ये हर बंदे का एफर्ट ही नहीं है, क्योंकि ये खलूस और प्यार मोहब्बत की बात होती है। मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी कि खलूस हो और प्यार हो फिर ये चीजें होती है, वरना नहीं हो सकती। तो ये जी एक एफर्ट है, ये दिख रहा है कि ये पूरे दिन की माशाल्लाह माशाल्लाह मेहनत है, और मेरा ख्याल है कि ये हर कोई नहीं कर सकता। ये एक मोहब्बत और खलूस की बात है। हमारी भाभी बीच में आती नहीं है, वो मेरे साथ साथ जरूर होती हैं, इवन कहीं हम ट्रेवल करने भी जाएं मेरे पीछे पीछे साथ साथ बात मुझे समझा रही होती है, लेकिन बीच में नहीं आती, कहती मेरा नहीं दिल करता आने का। हंसते हम इकट्ठा जरूर है, बीच में वीडियोज में भी आ जाता होगा, लेकिन ये कि ये देखें, ये एक खलूस और मोहब्बत है। और आप सब वेट कर रहे हैं, मैं ज्यादा देर तक नहीं बोल सकती, 1:33 हो गए, मैं बंद करने लगी हूँ। इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था मन्ना में अमर मनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बनाए तेरे सदके है जाए, मिलना उन्ना हमें हमें अपना बनाए, है मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, नई आँखों में बसता है मेरा जहाँ, नई होपा जरा तुम्हें कह ना सका, मेरी दुनिया अंधी हो तुम ही हो सुनो, हमसे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझ सुनी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, चाहत में कितना फसाना हुआ। ये आवाज बड़ा जबरदस्त है, मिलना पड़ेगा जमाना हुआ, जी मैंने आज आपको सारा व्लॉग दिखा दिया, और इस वक्त मैं यहीं बैठी हूँ और मैं लेट हो गई हूँ, मैंने व्लॉग अपडेट करना है, और इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।